हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। पापा ने मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया जो आज शाम को डिलीवर हुआ, तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की क्योंकि मैंने सोचा आप मेरी YouTube फैमिली हो तो मैं आपके सामने करूंगी अनबॉक्सिंग। हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ये एक बॉक्स, देखिए। और ये ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है स्माइला के पापा की तरफ से, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बॉक्स ओपन हो गया है। ये क्या? मेरी किचन में है ना ये? यस। तो ये हमने आपकी किचन के लिए बाय किया है। क्योंकि आप किचन सेट के साथ, कुकिंग सेट के साथ प्ले करते हो ना, तो पापा ने सोचा क्यों ना जैसे मम्मा की किचन है वैसे स्माइला की किचन बनाई जाए। तो चलो इसको भी ओपन करते हैं। ये है स्टेनलेस स्टील, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। चलो आप ही दिखाओ। इस पैन में आप भी शामिल हो? बिल्कुल। ये है एक स्पून। ये है जब हम बाहर डिनर पे या लंच पे जाते हैं तो वो हमें दाल मखनी सर्व करते है ना। यस। अच्छा, वो इसी में सर्व करते हैं। हाँ, ये छोटी सी बाल्टी है। तो मम्मा ये क्या है इसके नीचे? ये क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? मुझे तो ये ओखली लग रही है। तो अगर इसका वो हैंडल होगा तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है। ये है एक कप। ये देखो फ्रेंड्स, चाय पीने के लिए। इधर से दिखाओ इसका होल्डर, देखो कितना क्यूट है। ये एक और कप है। फिर से कप। चार कप हो गए, क्या पता छह का सेट निकल आए। फिफ्थ कप की लाइन लग गई है यहाँ पे। हमें नीचे क्या रखना होता है इन कप्स के? क्या रखना होता है? प्लेट। तो इसके नीचे रख ही देते हैं ना। लाओ दो। तो ये हमारा टी सेट बन गया है। तो हम रोटी किसमें डालेंगे? यहाँ पर रखेंगे ना रोटी को। ये पानी पीने के लिए ग्लासेस हैं। बहुत ज्यादा क्यूट है। ये क्या है? आलू मैश करने के लिए। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। गैस स्टोव और साथ में सिलेंडर। खाना बनाने के लिए ये भी तो चाहिए ना, इसके बिना खाना कैसे बनेगा। ये वो सर्विंग बाउल है। हाँ, ये सर्विंग बाउल है। ओके, इसमें हम पनीर की सब्जी डालेंगे और इसमें दाल मखनी। हाँ, ये देखो कितना सुंदर है सर्विंग बाउल। और ये प्लास्टिक का लिड है इसका। ये फोर प्लेट्स हैं, फाइव हो गई टोटल। ये भी एक बाउल है शायद घी रखने के लिए। ये प्रेशर कुकर है मुझे लग रहा है, लेकिन फिर इसका वो जो होता है ना लिड, इसका होगा अंदर ही होगा। ये है तो प्रेशर कुकर। हाँ, ये देखो इसका लिड, इसको बंद करते हैं। कितना प्यारा प्रेशर कुकर है ये। ये रहा उसका लिड, देखो। हाँ। ये वाली बाउल का, तो ये घी वाली बाउल है। यहाँ से आप उठा सकते हो इसका लिड और नीचे जो घी या ऑयल जो भी आप डालोगे उसको यूज कर सकते हो। ये पिंक कलर के प्लास्टिक के थ्री ग्लासेस हैं जूस पीने के लिए। ये है ब्लू कलर का टाय मिक्सर और ये देखो रेड कलर का ब्लेड। ये छोटा जार है, ये बड़ा जार है। इसमें हम बनाएंगे शेक या जूस और चटनी भी बना सकते हैं। ये इसका छोटा जार है जो यहाँ पे लगेगा और ये बड़ा जार। और ये इसका स्विच है छोटू सा ब्लैक और यहाँ पे बटन है ब्लैक कलर का। ये दिखाओ जिससे स्माइला की पिटाई होगी। इससे मेरी पिटाई होगी ना जब आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे, एग्जाम की तैयारी। आपके पास तो अलग है ना वो बड़ा वाला। तो वो बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए यही होता है। मतलब वो वाला किसके लिए? पापा के लिए। वो रोटी बनाने के लिए, ये स्माइला की पिटाई करने के लिए। ये वुडन का बेलन है और इसका एक चकला भी है। वाओ, वेरी नाइस। देखो कितनी अच्छी वुड है ये, इतना सुंदर है। देखो जैसे मिनी ग्लासेस आए हैं ना वैसे ये मिनी बाउल्स हैं। ये है एक टर्नर। ये भी बॉक्स है जिसमें ड्राई आटा हम डालते हैं। हाँ, ये वही बॉक्स है, इसका ये लिड भी है। कितने यूनिक आइटम्स है इसमें। सेट ऑफ बाउल्स। लेकिन बाउल्स तो हम नहीं रहे ना, मिनी बाउल्स। तो एक ही सब्जी बनाओगे, दाल नहीं बनाओगे, खीर नहीं बनाओगे, हलवा नहीं बनाओगे, तो उसके लिए बर्तन चाहिए ना, बार बार वॉश करते रहोगे। एक बाउल में खिला के लाओ दो, मैं वॉश कर दूँ, उसके बाद इसी बाउल में खीर मिलेगी। अलग अलग साइजेस हैं।
छोटी बाउल, बड़ी उससे बड़ी। ये है मटका। जब घर पे पानी खत्म हो जाएगा टंकी में तो कुएं पे जाएगी सुमायरा मटका सिर पे उठा के पानी भरने। ये क्या है जिसमें हम दूध नहीं डालते? हाँ हमारे यहाँ पे तो पैकेट वाला दूध मिलता है ना, बाकी सिटीज में ना वो मिल्क मैन आता है घर पे दूध देने के लिए, तो वो इसमें डाल के भी लेकर आता है। और हमारे घर पे भी ऐसे होते हैं जब हम उनके घर पे जाएं दूध लेने के लिए तो हम ये वाला बर्तन लेकर जाते हैं ताकि इजीली हम इसको पकड़ के ले जा सकें। दादी के घर पर आते हैं वो मिल्क मैन। हाँ नानी के घर पे भी आते हैं, दादी के घर पे नहीं आते हैं, दादू की खुद की तो दूध की दुकान है। भूल गई थी, कंफ्यूज हो गई। नानी के घर पे आता है ना मिल्क मैन, तो नानी इसी में दूध डलवाती है और इसका लिड भी होता है। इसका है या नहीं अंदर? इसका नहीं है शायद। ये कोई तो बॉक्स है वो चीनी वाला, और इसका लिड है। क्या है ये? ओ स्क्रू है। मुझे लगा कुछ प्रैंक कर लिया उन्होंने। अच्छा अब मुझे समझ में आया ये स्क्रू क्यों है। मैं बताती हूँ आपको, पहले आप सारे प्रोडक्ट्स दिखाओ। ये एक स्टैंड है, और ये किस काम आता है आपको पता है? नहीं। देखो जब हम चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं तो दूध का जो पैन होता है वो गर्म होता है, तो एकदम से हम नहीं रख सकते है ना टेबल पे या चेयर पे, तो उसके लिए स्टैंड होता है। आप इस पैन में दूध गर्म करो और ये गर्म है तो आप इसके ऊपर इसको ऐसे रख दो। अच्छा आ गया समझ में? यस। और ये पैन उठाएंगे कैसे गर्म है तो? हम उठाएंगे इससे। कैसे? ऐसे नहीं, पहले इसको ओपन करना होता है ऐसे, फिर इसको ऐसे, और इसको फिर बंद कर दिया, फिर इसको उठा कर ले जाओ गर्म है दूध। साइड हो जाओ, 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 साइड हो जाओ। इसको फिर यहाँ रख दो, टेबल पे नहीं रखना है, इसको यहाँ रखना है। स्कूल में हम लेकर जाते हैं ये लंच बॉक्स। भूख लगती है ना स्कूल में? लेकिन सुमायरा ये वाला नहीं, कभी भी नहीं लेकर गई। हमने अपने टाइम पे यही वाला यूज किया है, 2 बॉक्सेस वाला, 3 बॉक्सेस वाला, और ये 3 बॉक्सेस वाला है, बहुत ही प्यारा है। और इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं हम। ये देखो सुमायरा, इसको ऐसे ओपन करते हैं। अभी भी मिलते हैं ये, लेकिन कोई यूज नहीं करता, आजकल फैंसी आ गई है ना। ये सबसे नीचे वाला बॉक्स है, ये मिडल वाला बॉक्स है, और ये सबसे ऊपर वाला। तो नीचे वाला सब्जी के लिए, मिडल वाला सैलेड के लिए, और ऊपर वाला रोटी के लिए। देखो हमारे घरों में ऐसा ही स्टैंड होता है ना किचन में। यहाँ पे आप बाउल्स ग्लासेस वगैरह रख सकते हो, ये प्लेट्स के लिए है, यहाँ पे बाउल्स का कलेक्शन आ जाएगा। और ये जो स्क्रू आप देख रहे थे ना, ये पता है कहाँ लगेंगे? ये यहाँ पे ना स्पेस है, देखो यहाँ पे। अच्छा तो हम लगा कर दिखाते हैं आपको, इसको अच्छे से टाइट करना है नहीं तो स्पून वगैरह गिर जाएंगे। ऑर्गेनाइज हो चुका है, आप एक बार देख लीजिए। सुंदर लग रहा है ना? बहुत ज्यादा सुंदर है। अब आप आराम से जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उठाओ, यूज करो, फिर से यहाँ पे रख दो। तो YouTube फैमिली आपको कैसा लगा सुमायरा का नया गिफ्ट, आप कमेंट्स में बताइए। अगर आप कमेंट्स कर पा रहे हैं तो ऐसे और यूनिक यूनिक गिफ्ट हम सुमायरा के लिए लाते रहेंगे, तो जल्दी सुमायरा आपके लिए कुकिंग वीडियो लेकर आएगी जिसमें ये खाना बनाएगी हम सबके लिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।